नमस्कार। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आशा और एनएम बहन जी के द्वारा डिजिटल हेल्थ ऐप के माध्यम से जिन लोगों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनका स्वास्थ्य विवरण आशा और एनएम बहन जी एप्लीकेशन के माध्यम से किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो आपको इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा कि जब भी आप किसी बेनिफिशियरी का सर्वे करें या उसका स्वास्थ्य विवरण अपडेट करें, तो स्वास्थ्य की जानकारी बिल्कुल ठीक ठीक एप्लीकेशन में भरें। यह अति महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम राजस्थान के डाटा की बात करें, तो अगर आप 100 लाभार्थी का सर्वे कर रहे हैं, तो लगभग उसमें से लंग की डिजीज़ के आपको 12 से 15 केस मिलने ही चाहिए। इसी तरह से अगर हम मालन्यूट्रिशन की बात करें, तो वो भी आपको लगभग 30-32 केस मिलने चाहिए। इसी तरह से डायबिटीज़ के केस आपको 100 में से लगभग 22-23 लोग मिलेंगे, हाइपरटेंशन के 22-23 लोग मिलेंगे। तो ये सारी जानकारी जो आपके द्वारा पहले से दी गई थी हमारी एप्लीकेशन में, वो मुझे लगता है कि अंडर रिपोर्टेड थी। अब आपके पास एक चांस है कि ACF से पहले आप सभी लाभार्थियों का स्वास्थ्य विवरण सही से अपडेट कर दें। ये जो बीमारियां आपको बताई जा रही हैं, अगर आप इनका विवरण सही से अपडेट करती हैं, तो ये वल्नरेबल पॉपुलेशन की कैटेगरी में आएंगे। ये एप्लीकेशन का होम पेज है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि किस प्रकार आप जिन लाभार्थियों का सर्वेक्षण पहले से किया जा चुका है, उन लाभार्थियों का स्वास्थ्य विवरण अपडेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टैब बना हुआ है, परिवार रजिस्टर। तो जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर इस तरह से सभी वो घर और लाभार्थी दिखाई देंगे जिनका स्वास्थ्य सर्वेक्षण आपने पहले से कर रखा है। जैसे घर संख्या 1 में जो लाभार्थी हैं, घर संख्या 2 में जो लाभार्थी हैं, घर संख्या 3 में जो लाभार्थी हैं। अब आपको अगर किसी भी घर संख्या के किसी लाभार्थी का स्वास्थ्य विवरण अपडेट करना है, जैसे हमने ये घर संख्या 2 पे क्लिक किया, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक लाभार्थी है इस घर में राम, दूसरी है बसंती। तो अगर हमें राम का स्वास्थ्य विवरण अपडेट करना है, तो आपको क्या करना होगा, राम के नाम पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपको इस तरह से ये सारे टैब अलग अलग दिखाई देंगे, जिसमें व्यक्तिगत प्रोफाइल, वैवाहिक स्थिति। अब हमें क्या करना है, स्वास्थ्य विवरण अपडेट, तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्या आप धूम्रपान या तंबाकू जैसे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि का सेवन करते हैं? तो आपने जब ये सर्वे किया था जब भी, तो तब इसको सिलेक्ट किया था आपने, इस तरह से कभी नहीं। अब अगर इनका स्टेटस अपडेट हो गया है, या अब ये बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो यहाँ से आप इनका स्वास्थ्य विवरण अपडेट कर सकते हैं। और अगर ये अभी भी नहीं करते, तो आप कभी नहीं पे क्लिक करें, और अगर करने लगे हैं, तो आप प्रतिदिन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से, क्या आप रोज़ाना शराब का सेवन करते हैं? अगर करते हैं, तो हाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर उनको कोई बीमारी है या उस किसी बीमारी का इलाज चल रहा है, तो आप यहाँ जो कोई नहीं है लिखा हुआ, इस पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब इन लाभार्थी का पहले सर्वे हुआ था, तो इनको आपके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन अपडेट की गई थी कि इस लाभार्थी को कोई भी डिजीज़ नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी, आप ठीक ठीक पूछ के बेनिफिशियरी से कन्फर्म करके भरें यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है कि इस बेनिफिशियरी को अभी मधुमेह यानी शुगर है, तो इस तरह से आप ये सारा स्वास्थ्य विवरण अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये जो एक्सक्लेमेटरी का साइन है, जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं आपको, ऐसा निशान आपको कहीं दिखाई दे, तो इसका मतलब आपको ये वाली चीज़ें भी अपडेट करनी है। तो इसमें क्या आप पिछले 30 दिनों में इनमें से कोई लक्षण दिखे हैं? अब जैसे ही आप हाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपको लक्षण दिखाई देने लगेंगे। जैसे अभी मैं यहाँ हाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए, यदि आपको पिछले 30 दिनों में बुखार, खांसी, बलगम, दस्त, सिर दर्द, पेट दर्द, इस तरह की कोई चीज़ है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद, क्या आप इन लक्षणों का इलाज के लिए किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पास गए थे, यानी आप ENM बहन जी या प्राइमरी हेल्थ सेंटर डॉक्टर साहब के पास अगर गए हैं, बेनिफिशियरी अगर गए हैं, वो आपको बता रहे हैं, तो आप हाँ पे क्लिक करके यहाँ से वो जहाँ पे भी गए थे, उप स्वास्थ्य केंद्र या PSC, CSC, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं।
पिछले 2 सप्ताह में आप कितने लोगों के पास स्वास्थ्य सलाह के लिए गए, मतलब आपने अपनी स्वास्थ्य के बारे में किसी से बात की हो, अपने पड़ोसी से या आशा बहन जी से या किसी और से, तो वो लाभार्थी से पूछकर आपको यहाँ फिल करना हो। फिर इसी तरह से पिछले 2 सप्ताह में कितने लोग आपसे स्वास्थ्य सलाह के लिए आए, यानी आपका कोई घर का मेंबर स्वास्थ्य सलाह के लिए आपके पास आया या कोई पड़ोसी आया, तो यहाँ से इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं। क्या आप वर्तमान में बीमार हैं, मान लो आपको बुखार हो रहा है या कोई और बीमारी है, तो आप यहाँ से हाँ पे क्लिक करके हेल्थ स्क्रीनिंग बेनिफिशियरी की कर सकते हैं। अगर वो बीमार नहीं है, आप हेल्थ स्क्रीनिंग नहीं करना चाह रहे, तो आप यहाँ से एरो के बटन पे क्लिक करके बैक चले जाएंगे और वहाँ फिर आपको यहाँ हेल्थ स्क्रीनिंग में क्या आप वर्तमान में बीमार हैं, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करके डाटा सेव पे क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आप सभी लाभार्थियों का डाटा स्वास्थ्य विवरण अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी सर्वे आपके द्वारा किए गए हैं, उन सभी लाभार्थियों का आपको एक एक करके, जिस तरह इस एप्लीकेशन के इस डेमो के माध्यम से मैंने आपको एक राम जी का स्वास्थ्य विवरण अपडेट करके दिखाया, इसी तरह से आप स्वास्थ्य विवरण अपडेट करेंगे। अब जैसे ही आप ये स्वास्थ्य विवरण अपडेट करेंगे, जैसा मैंने बताया था कि आप अगर ठीक ठीक जानकारी बीमारियों की भरते हैं, तो वो हमें यहाँ टीबी वाले केसेस में ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग ड्यू वाले टैब में दिखाई देने लगेंगे। और जैसा कि आप अवगत हैं कि हमें ACF करना है, तो सभी लोगों का आप ACF कर सकते हैं। धन्यवाद।